ਟਰੈਕਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਟੂ ਵੀਲਰ ਲੰਘੇਗਾ, ਪੈਦਲ ਲੰਘੇਗੇ, ਔਰ ਆਟੋ ਆਏਗਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਰੀ ਧਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਆਟੋ ਆਏਗਾ ਇੱਧਰ ਸਵਾਰੀ ਧਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਟੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਹੀਕਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਬਾਕੀ ਪੈਦਲ ਵਾਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ। ਅਭੀ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਪਰ ਖੋਲਦੇ संजीत साढ़े पत्रकार इस खबर से जानकारी दे रहे हैं। संजीत, दिल्ली पुलिस नाल किसान लीडर की मीटिंग विच होर केड़ियां केड़ियां गल्लां ते चर्चावां कीतियां गईयां ने, दिल्ली पुलिस का पक्ष है की सी? देखिए किशन, दिल्ली पुलिस, झज्जर जिला प्रशासन और किसानों के बीच बैठक हुई थी और बैठक में ये सहमति बनी है कि दो पहिया वाहन और जो एम्बुलेंस है उनके लिए रास्ता खोल दिया गया है। किसानों ने एक तरफ का रास्ता खोल दिया है, हालांकि फोर व्हीलर या ऑटो वो अभी नहीं दिल्ली और हरियाणा में एंटर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कि ऑटो रिक्शा जो हरियाणा के ऑटो रिक्शा है वो टिकरी बॉर्डर तक आएंगे, वहां से वापस हो जाएंगे। वहीं दिल्ली के ऑटो रिक्शा टिकरी बॉर्डर तक आएंगे और वहां से वापस हो जाएंगे, लेकिन दोपहिया वाहन पैदल लोगों के लिए और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोल दिया, इस पर सहमति बनी है। बाकी किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक 6 तारीख को है, उसमें बूटा सिंह जो किसान नेता है उन्होंने बताया है कि उसमें जो फैसला किसानों की तरफ संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से लिया जाएगा उसके बाद किसान आगे का फैसला लेंगे। फिलहाल की जहां तक जानकारी है, फिलहाल एक तरफा रास्ता जो है खोल दिया गया, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ये रास्ता खुला रहेगा। किशन, संजीत, दिल्ली पुलिस का 4 पहिया वाहनों के आवाजाही ते की स्टैंड है? दिल्ली पुलिस चाहती है कि 4 पहिया वाहन भी इथों लंघ सकन? देखिए दिल्ली पुलिस भी चाहती है और जो स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से भी किसानों से बातचीत की गई कि जो रास्ता जो है वो खोल दिया जाए फोर व्हीलर के लिए भी, लेकिन किसान इस पर अड़े रहे कि फोर व्हीलर जैसे ही चलेगा तो किसानों को दिक्कत आएगी और हादसे बीच में हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी तक जो है दोपहिया वाहन और एम्बुलेंस के लिए रास्ता खोला गया है, फोर व्हीलर के लिए अभी रास्ता नहीं खोला है। ठीक है संजीत, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सो दोपहिया वाहन एम्बुलेंस को इजाजत दी गई है, बाकी सब वाहन पाबंदी किसानों ने लगाई है।